हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आज ही ये चैनल खुला हूँ और मेरे मेरा पहला वीडियो अपलोड है। आप देख सकते हैं मेरा TH9 है, क्वीन मेरा लेवल 17 का है, किंग मेरा लेवल 16 का। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल को तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं नया नया वीडियो बनाता रहूँगा। नाउ लेट्स, मेरे पास एक लावालूम है और मैं जो अटैक स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ वो अगर दिखाना है तो मुझे पहले इसे हटाना पड़ेगा। इस आर्मी को चलिए यूज़ कर लेते हैं पहले। चलिए यूज़ करते हैं इस पेज पे, यह ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पास एक लाभ हम कम है। नेक्स्ट। असल में मैं अभी चैंपियन लीग पे जाने वाला हूँ, इसीलिए सारे बेस थोड़ा हार्ड आ रहा है। अभी भी कोई ढंग का बेस नहीं है, नो ढंग का बेस। सो ये बेस थोड़ा है ढंग का, लेकिन पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं। चलिए इस बेस को अटैक करते हैं। तो लेट्स गो। तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये पूरा फील अच्छा होगा। चलिए देखते हैं कितने तक आता है। तो मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पर 27 ट्रॉफी दबा दिया। सो लीजिए, ये हमारा वार एंड हो चुका है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ। चलिए, ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्वीन वॉक कह रहा था लव गुड वेल। और क्वीन वॉक में जो जानते हैं कि ये थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहिए। देखिए और क्वीन वॉक में बहुत खास बात है कि हमको ना अगर ठीक तरह से अगर हीलर को प्लेसमेंट कर मिल जाए तो उसके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हीरो भी हील हो जाता है
और ऐसा करने के बाद टाइम भी हमें मिल जाता है। इसके बाद में हम फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। स्टडी में उन्हें कमाल का लगा। इसके बाद मैंने इसे वार पे ट्राई किया। वार पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था, ये एक नंबर या फिर दो नंबर पे ट्राई किया और मुझे देख सकते हैं कि मुझे 3 स्टार्स मिले दोनों में। तो 2 नंबर पे हम पहले देखते हैं रिप्ले। ये देखिए, इस अटैक में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से करूँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसी है, तो यहाँ से निकालने के लिए अभी सुविधा होगा और तीन ऐसे मार देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये 3 जो मेन डिफेंस है वो तोड़ देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा इनका पावर बहुत कम हो रहा था, इसलिए मैंने इसका पावर यूज़ कर लिया और ये जो डिफेंस है वो सारे मैंने पॉइजन किया कि उन्होंने किसी इस ड्रैगन को उसका स्लो डाउन करने के लिए। देखो बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी है, तो ट्रेन बच गया ना, और ट्रेन तो बचेगा ही अगर आप कितने से ध्यान रखते हो इसका। तो देखिए यहाँ से तो और यहाँ से जिसमें किसी नहीं था वो मतलब यहाँ से डाल दिया। अरे देखिए यहाँ पर हमारा ढाल से ढाल से फीलिंग फील हो रहा है मेरा। मैं अगर जल्दी से यूज किया था उन दोनों के लिए और वो काम भी कर दिया, तो दोनों अंदर चले गए। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। और कुछ पार्टी कंप्लीट हो गया है। जब मैं 1 नंबर पे अटैक करने वाला था ना, मैंने बहुत सोचा कि किस तरह से ले जाऊँ तो अच्छा होगा। मैंने पहले सोचा था कि किस तरह से ले मैंने पहले सोचा था कि किंग की तरफ से मैं अंदर को था, लेकिन देखा कि चीज तो वहाँ पर निकल ही रहा है। तो उसके बाद मैंने इसका ऑपोजिट साइड को चुना क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से एनिमी सीसी को उसको निकाल सकते हैं। मैंने क्वीन वार क्वीन और 4 हीलर या फिर छोटा 4 हीलर और 2 बेबी ड्रैगन को ये जो क्लियर करने के लिए देखा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और मैंने एक क्या पूछा देख सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगे थे ये पूरा रेस कम्प्लीट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बेबी ड्रैगन छोड़ा उसे क्लियर करने के लिए, और यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन छोड़ा उसे क्लियर करने के लिए। मैंने इसे तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा क्वीन किसी दूसरी तरफ जाए। उसके बाद मैंने एक बैल छोड़ा है कि एनिमी सिटी थ्रोस बाहर निकला है और मेरा क्वीन को मार दिया अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरा प्लान भी काम कर गया था। मेरा कौन नहीं था और मैं पॉइजन शटिंग डाउन के ऊपर उसे स्लो डाउन करने का दो पार्टी में 1 घंटे चल ही नहीं पाएगा। उसके बाद इसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर मैंने कर दिया क्योंकि इसके पीछे लूट था
और लूट से मुझे बहुत डर लगता है। और इसके बाद तो आपको सिर्फ इसके बाद एक और काम करना है, क्योंकि जंप उसको लेना है देख के, और को आपको देख देख के छोड़ना पड़ेगा सोच सोच कर। और देखिए मैंने यहाँ पर एक और हील कर दिया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मैंने हील किया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल था। और यहाँ पर मैंने एक जंप इसको यूज़ किया, यहाँ पर मैंने हील किया, जंप इसको यूज़ किया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर कोई भी एक भी मेरा बाइक मर गया। और इसका तो इसके बाद तो एक सवाल बात है कि आपको जीरो कुछ नहीं होंगे चलो सर, नहीं सर, लेकिन मेरा बाइक एक भी नहीं था यहाँ पर आने से पहले, तो मैंने उसको बार बार हीलिंग करने की सोचा। और यहाँ पर तो ऐसे ही क्लियर देगा कर देगा अगर बहुत सारे बाइक रहते हो तो थोड़ा है सब कुछ है। और मेरा टीम यहाँ पर काम कर रहा है मेरे लिए सर, दोनों तरफ देखिए कितने सारे बैंक्स मेरे पास कुछ है, यहाँ पर तो यहाँ पर आठ नौ एकदम परफेक्ट कर देंगे, यहाँ पर जल्दी से जरूरत नहीं होती मैंने कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।